हेलो एवरीवन, आई एम मधुस्मिता। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस। आज की मेरी जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक अमेजिंग लिपस्क्रब। इसी लिपस्क्रब को यूज करने के बाद आप लिप्स से पिगमेंटेशन एंड डार्कनेस को हटा सकते हैं और अपने लिप्स को लाइटन एंड चिंकीस बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। स्क्रब करने से पहले अपनी लिप्स को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के लिए गुलाब जल लीजिए और एक कॉटन पैड में गुलाब जल को भिगोकर अपनी लिप्स को इसी तरह से क्लीन कर लीजिए। स्क्रब बनाने के लिए पहले एक क्लीन बाउल लीजिए और इसमें 1 टीस्पून रॉ हनी ऐड कीजिए। हनी एक नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है और ये लिप्स को ज़्यादा पिंकिश और स्मूथ करने में हेल्प करता है। फिर उसमें 1 टीस्पून चीनी को डाल दीजिए। मैं यहाँ पर छोटी दाना यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास बड़ा दाना है तो आप उसको थोड़ी सी क्रश कर लीजिए। चीनी एक बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएट एजेंट है जो लिप से डेड सेल को रिमूव करता है। फिर उसमें 1/2 टीस्पून लेमन जूस लीजिए और इसमें ऐड कीजिए। लेमन एक नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है जो लिप से डॉट एंड इम्प्यूरिटीज को दूर करता है। इसमें सिट्रिक एसिड भी है जो एक नेचुरल ब्लीच एजेंट की तरह काम करता है, जिसके वजह से लिप से पिगमेंटेशन एंड डार्कनेस रिमूव होता है। अगर आपका लिप्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें 1/2 टीस्पून ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं। अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए। अभी आपका लिप स्क्रब बनके तैयार है। अभी इस तरह से अपने फिंगर टिप्स पे लीजिए और अपने लिप्स को अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट तक मसाज कीजिए। सो ये था मेरा DIY वाला लिप स्क्रब। अपनी लिप्स को पिंकिश और लाइटन बनाने के लिए आप हमेशा इस लिप स्क्रब को अपने लिप्स में मसाज कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और भी मेरे इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, मैं इसका आंसर जरूर करूँगी। सो अभी के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।